यूरोपीय देश जॉर्जिया में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जोरदार हंगामा, हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया, पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जोरदार झड़प, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार, चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन ले सकते हैं बड़ा फैसला, 5 लाख भारतीयों को नागरिकता मिलने का रास्ता होगा साफ। जो बाइडेन 1 करोड़ 10 लाख अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता देने को भी तैयार, हर साल न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को भी अमेरिका में प्रवेश दिलाने का बन सकता है नियम। अमेरिका के सालेम में भी ट्रंप समर्थकों का हंगामा, जमकर की नारेबाजी, पुलिस के सामने प्रदर्शन। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देंगे 614 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात, सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम, सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो, रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का विस्तारीकरण, गायों की सुरक्षा और संरक्षण के कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। वाराणसी के दशाश्वेत घाट और चड़किया घाट के विकास कार्य का भी शुभारंभ होगा। पीएसी पुलिस बल के लिए बैरक, शहर में सड़कों की मरम्मत और पर्यटन स्थलों के विकास का शिलान्यास होगा। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के माछुल सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई, आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराया, 1 जिंदा गिरफ्तार, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद बोले जो बाइडेन, दुनिया भर में अमेरिका को दोबारा प्रतिष्ठा दिलाएंगे, अलग अंदाज में होगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जो बाइडेन अपने साथ पत्नी और 2 जर्मन शेफर्ड डॉग्स भी ले जाएंगे व्हाइट हाउस, बाइडेन का बेहद करीबी है जनरल नाम का जर्मन शेफर्ड। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बाइडेन को दी जीत की बधाई, दोनों देशों में संबंध और भी बेहतर होने की उम्मीद जताई। डोनाल्ड ट्रंप की एक और कोशिश नाकाम, जॉर्जिया के काउंटी में वोटिंग हेराफेरी की जांच के लिए भिजवाई थी टीम, कोई सबूत नहीं मिल पाया। अमेरिकी चुनाव में धांधली के आरोपों पर ट्रंप को मिला पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश का साथ, कहा ट्रंप के पास रिकाउंटिंग की अपील का अधिकार। जो बाइडेन के समर्थन में न्यूयॉर्क में सड़क पर बड़ी संख्या में उतरे लोग, जीत का जश्न मनाया। बिहार चुनाव नतीजों से पहले महागठबंधन में जश्न का माहौल है, तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं को दी हिदायत, उम्मीदवार अपने इलाके में जुलूस ना निकाले, जनता को मनाने दे खुशी। बिहार चुनाव में महागठबंधन के जीत की भविष्यवाणी की गई है, मतदान के बाद लगभग सभी एग्जिट पोल्स में महागठबंधन सरकार बनने का दावा, आज तेजस्वी के जन्मदिन को खास मनाने की आरजेडी ने की है तैयारी। बिहार में किसका होगा राज्याभिषेक, कल दोपहर तक साफ हो जाएगी तस्वीर, TV9 भारतवर्ष पर सुबह 6 बजे से देखिए मतगणना की हर एक अपडेट। TV9 भारतवर्ष के सर्वे में ज्यादातर लोगों ने तेजस्वी को बताया अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री, कहा बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट पड़ा है, नीतीश के संन्यास वाले ऐलान से कोई फर्क नहीं। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में महागठबंधन की 120 से 130 सीटें, एनडीए को 105 से 115 सीट पर करना पड़ेगा संतोष, एलजेपी को मात्र 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान। अमेरिका में बाइडेन की जीत से पाकिस्तान खुश, पाक पीएम इमरान खान ने बाइडेन को बधाई दी, ट्रंप कई बार सार्वजनिक मंच पर पाकिस्तान को लगा चुके हैं लड़तार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बाइडेन को दी जीत की बधाई, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने भी बाइडेन को बधाई दी। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सलाह, जो बाइडेन से हार मान ले। इमरान खान के मंत्रियों को कोर्ट से सख्त फटकार, कोर्ट ने 3 दिनों के अंदर गिलगित बाल्टिस्तान खाली करने को कहा, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। गिलगित बाल्टिस्तान में अवैध तरीके से पाकिस्तान ने किया है चुनाव का ऐलान, इमरान के मंत्री चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आज बलूचिस्तान के दौरे पर जाएंगे इमरान खान, चीन के इशारे पर बलूचों की आवाज दबाने के लिए इमरान का दौरा, इमरान का मकसद बलूचों को दमन का डर दिखाना। बलूचिस्तान में पैर पसारना चाहता है चीन, पाकिस्तान इसको ढाल बनाकर बलूचों को कुचलना चाहता है। बिहार के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन के पहले चौपाल का आयोजन किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के गाने गाए गए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले लालू कुनबे में जश्न का माहौल है, लालू यादव के बड़े भाई सुखदेव यादव सहित परिवार के दूसरे सदस्यों में काफी उत्साह। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी कई साल के बाद करेंगी छठ पूजा, राबड़ी के आवास में नए सिरे से तालाब की खुदाई हो रही। एग्जिट पोल के नतीजों से खुश महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 2 पर्यवेक्षकों रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को पटना भेजा, सुरजेवाला बोले बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट डाला।
इसराइल को तबाह कर सकती है ईरान की किलर मिसाइलें। ईरान ने जमीन के अंदर बनाया खुफिया ठिकाना, अंडरग्राउंड मिसाइल सुरंगों की तस्वीरें जारी। ईरान की किलर मिसाइलें इसराइल तक सटीक हमला करने में सक्षम, अमेरिका और इसराइल की नजरों से छिपाने के लिए बनाया अंडरग्राउंड ठिकाना। ईरान ने फारस और ओमान की खाड़ी के तटों पर भूमिगत मिसाइल सिटी की स्थापना की। कुछ महीने पहले ही इसराइल की बमबारी में ईरान के परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचा था। भारत से दूर चीन के पड़ोस में मनाई जाएगी दिवाली, मेगा दिवाली सेलिब्रेशन की मेजबानी करने के लिए ताइवान पूरी तरह से तैयार। दिवाली का भव्य समारोह ताइवान की राजधानी ताइपे में होगा। सेलिब्रेशन को ताइवान सरकार स्पॉन्सर कर रही है। पटाखों की गूंज चीन में भी सुनाई देगी। चुनावी नतीजों से पहले बिहार में अपराधियों का तांडव शुरू। राजधानी पटना के पालीगंज में पूर्व मुखिया संजय वर्मा की गोली मारकर हत्या, मोटरसाइकिल से आए थे आरोपी। बेगूसराय में भी अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी। 4 नवंबर से अगवा होटल कर्मचारी सेठ चौरसिया की गला रेतकर हत्या, गुस्साए लोगों ने तेघड़ा में सड़क को जाम किया। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में भद्रघाट पर हादसा हो गया। खेल के दौरान एक बच्चा गंगा नदी में डूब गया। एनडीआरएफ पर मदद में लापरवाही का आरोप लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में महासचिवों के साथ बैठक की। संगठन के मोर्चा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बिहार चुनाव और अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव को लेकर चर्चा। मुंबई ड्रग्स केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी। फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी गिरफ्तार। एनसीबी टीम ने कल 5 इलाकों में की थी छापेमारी। एलएसी पर जल्द खत्म होगा तनाव, पीछे हट सकते हैं दोनों पक्ष। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी पीछे हटेंगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एलएसी पर तनातनी के बीच चीन की नई चालबाजी। सिचुआन को तिब्बत में लिंजी तक जोड़ने वाली रेल परियोजना के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। 47 अरब डॉलर से ज्यादा की है रेल परियोजना। सिचुआन तिब्बत रेलवे शिंगाई तिब्बत रेल परियोजना के बाद दूसरी रेलवे लाइन है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के नजदीक है। चीन के तट पर 6 महीने से फंसा है भारत का जहाज। जून से ही चीन के जिंगटैंग बंदरगाह पर है 23 क्रू मेंबर्स वाला ये जहाज। मुंबई की कंपनी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग लिमिटेड का है जग आनंद जहाज। फंसे चालक दल के सदस्यों ने भारत लौटने के लिए मांगी मदद। जम्मू कश्मीर के एक्टिविस्ट का दावा, पाकिस्तान कभी नहीं होगा गिलगित बाल्टिस्तान। हमेशा से रहा है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, पाकिस्तान ने यहां कभी नहीं किया विकास। चीन ने फिर नेपाल की जमीन पर कब्जा किया, नेपाल की 150 हेक्टेयर जमीन हथियाई। चीन की हड़प नीति से व्यापार पर असर। एलएसी पर तनाव के बीच चीन की चालबाजी। वेस्टर्न यूनान में 20 दिनों की अंडर वाटर ट्रेनिंग की, पानी के अंदर ताकत का दिखावा किया। पश्चिम बंगाल की बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की टीएमसी कार्यकर्ताओं को खुली धमकी, कहा 6 महीने में सुधर जाएं ममता दीदी के लोग, नहीं तो तोड़ देंगे हड्डी पसली। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा इलेक्शन कमीशन, आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक, कल जिलाधिकारियों के साथ होगी वर्चुअल बातचीत। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने की 27 साल पुरानी वोरा कमेटी रिपोर्ट उजागर करने की मांग। रिपोर्ट में दाऊद इब्राहिम से कई बड़े नेताओं के रिश्तों का जिक्र करने का दावा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मृतक छात्रा निकिता तोमर के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद्र शर्मा भी शामिल हुए, परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया। दरभंगा एयरपोर्ट से शुरू हुई हवाई यात्रा, कल दोपहर 12:42 पर दिल्ली के लिए उड़ा पहला प्लेन। मिथिलांचल के लोगों को का इंतजार था, सपना साकार। अफगानिस्तान के गजनी में हुए हमले में 8 लोगों की मौत। रिहायशी इलाके में दागे गए 3 मोर्टार, 7 लोग घायल। बम धमाके से दहला सीरिया। मरकादा में गाड़ी में जोरदार धमाके में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत। हमलावरों की तलाश जारी। एलओसी पर तनातनी के बीच पाकिस्तान ने भारत के दोस्त रशिया के साथ शुरू किया सैन्य अभ्यास। दोनों देशों का सैन्य अभ्यास 2 हफ्ते तक चलेगा। पाकिस्तान और रूस के बीच साल 2016 से युद्धाभ्यास हो रहा है। रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मॉस्को ने भरोसा दिया था कि वो पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर ऐतिहासिक सैन्य परेड का आयोजन हुआ। 79वीं परेड के मौके पर कलाकृतियों के साथ सैन्य उपकरणों का दर्शन किया गया। कोरोना काल के बीच ब्रिटेन के आर्मी चीफ जनरल सर निक कार्टन ने दी चेतावनी, कहा कोरोना के चलते बने वैश्विक आर्थिक संकट के चलते युद्ध को मिल सकती है गति। त्योहारी सीजन में खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ गई है। दिल्ली के लाजपत नगर सरोजनी मार्केट एरिया में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। दिल्ली के जनपद बाजार में भी उमड़ी लोगों की भारी भीड़, नहीं दिखा कोरोना का कोई खौफ। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कई लोग बगैर मास्क नजर आए। दिल्ली मेट्रो में भी उमड़ने लगी है यात्रियों की भारी भीड़। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लंबी कतार देखी गई, व्यवस्था बनाते नजर आए सिक्योरिटी फोर्स के जवान।
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर के सीता बाड़ी बाजार में भारी भीड़। दीपावली से पहले रविवार की छुट्टी में लोगों ने जमकर खरीदारी की। पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोगों ने चलाई मुहिम। दिवाली के मौके पर पटाखे नहीं जलाने की अपील की गई। रोशनी का त्यौहार मनाने पर जोर। अजरबैजान और आर्मेनिया में 44 दिनों से जारी है जंग। अजरबैजान के सैनिकों ने आर्मेनिया के ठिकानों पर जमकर की फायरिंग। शुशा इलाके में जबरदस्त गोलीबारी हुई। अजरबैजान की सेना ने 28 साल बाद नागोर्नो काराबाग के शहर शुशा पर किया कब्जा। एक महीने की लड़ाई के बाद अजरबैजान की सेना को मिली कामयाबी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अजरबैजान को दी शुशा में जीत की बधाई। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने शुशा शहर पर कब्जे का किया है दावा। नागोर्नो काराबाग युद्ध को लेकर आर्मेनिया ने शुशा शहर का वीडियो किया जारी। आर्मेनियाई सेना और T-72 टैंक दुश्मनों पर बरसा रहे गोले। नागोर्नो काराबाग युद्ध को लेकर आर्मेनिया के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा। कहा आर्मेनिया एयर डिफेंस यूनिट ने अजरबैजान का एक UAV मार गिराया। योगी सरकार की अयोध्या में डिजिटल दीपोत्सव मनाने की बड़ी तैयारी। लेजर शो के जरिए आतिशबाजी, डिजिटल दीपक का खास इंतजाम। कोरोना काल में घर बैठे होंगे रामलला के दर्शन। पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर कानपुर लौटा भारतीय, जासूसी का आरोप लगाकर कर दिया गया था कैद। 28 साल के बाद घर पहुंचने पर नम हुई शमशुद्दीन की आंख। अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गरीबों के कल्याण के लिए हो रहे काम। हम विदेशों पर नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारतीय कारोबारियों के दम पर आगे बढ़ रहे। पटाखा बैन को लेकर हरियाणा सरकार का यूटर्न, सीएम खट्टर का ऐलान। 2 घंटे के लिए बेच और फोड़ सकते हैं पटाखे। पहले पटाखों पर लगाया गया था पूरी तरह से प्रतिबंध। सामने आने लगी है जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य की तस्वीरें। अनंतनाग में सेना और पुलिस ने छात्रों के लिए किया डिबेट और डांस कॉम्पिटिशन का आयोजन। छात्रों में दिखा जमकर उत्साह। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता के संदेश और ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में युवाओं की भागीदारी का संदेश। काठमांडू में गोरखा सैनिकों के परिवारों से मिली आर्मी चीफ जनरल नरवड़े की पत्नी। जवानों को भेजा गिफ्ट। गोरखा जवानों के परिवार के लोग काफी खुश नजर आए। आज से मालदीव के 2 दिन के दौरे पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। कोरोना वायरस और आपसी रिश्तों समेत कई मुद्दों पर होगी बात। दुनिया भर में कोरोना के 5 करोड़ से ज्यादा मरीज। 12,60,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना ने जान ले ली। अमेरिका में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। कल फिर 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। अब तक 2,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन देश में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों को दिवाली संदेश उन्होंने दिया है। कहा है जिस तरह से भगवान राम और सीता ने रावण को हराया था वैसे ही हम कोरोना को मात देंगे। कोरोना काल में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में गरीब बच्चों के लिए आगे आया पत्रकारों का एक समूह। भोजन कपड़ों के साथ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पहुंचा रहे हैं पुराने मोबाइल फोन भी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा मरीज सामने। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 5 लाख के करीब पहुंच गई। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना मरीजों का नया रिकॉर्ड। 7,745 केस सामने। दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या भी 42,000 के करीब पहुंच गई। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से सनसनी। हरियाणा में शराब पीने से मौत के मामले की SIT करेगी जांच। T20 लीग के फाइनल में मुंबई इंडियंस का कल दिल्ली कैपिटल्स से होगा मुकाबला। कल अबुधाबी में खेले गए दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स ने हैदराबाद को 17 रनों से हराया। पहली बार T20 लीग के फाइनल में पहुंची है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। शिखर धवन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेली 78 रनों की शानदार पारी। जापान के सम्राट नारुहितो के छोटे भाई आकिशिनो बने क्राउन प्रिंस। भेंट की गई राजशाही तलवार। पारंपरिक राजमहल में आयोजित एक कार्यक्रम में पूरी हुई सारी औपचारिकताएं। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 7 महीने से स्थगित हो रहा था कार्यक्रम। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच मालाबार युद्धाभ्यास से भड़का चीन। 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में क्वाड देशों का दूसरी बार होगा सैन्य अभ्यास। मिस्र में शनिवार को संसदीय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए डाले गए वोट। म्यांमार में सैनिक शासन खत्म होने के बाद दूसरा चुनाव। कोरोना काल के बीच रविवार को हुआ मतदान। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोकतंत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। थाईलैंड में लोकतंत्र बहाली की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से देश भर में हो रहा है प्रदर्शन। और इस वक्त सीरिया से एक ब्रेकिंग आ रही है, सीधे चलते हैं करुणा के पास।
बिल्कुल समीर, सीरिया के मरकाडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मरकाडा में अमेरिका के जो वॉर है इसमें जो अमेरिका की तरफ से वार किया गया, इसमें 4 जवानों की मौत हुई है। सीरिया में आतंकवादियों ने अमेरिका के जवानों के काफले को दरअसल निशाना बनाया। विस्फोटक के जरिए आतंकवादियों ने अमेरिकी सेना की गाड़ी को उड़ा दिया। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो सीरिया के मरकाडा में यूएस की जो सेना है उस पर हमला किया गया, 4 जवानों की मौत हो गई इस हमले में।